मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के 3 खिलाड़ियों का चयन बुधवार को भोपाल में होने वाले चैंपियनशिप के लिए हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में 9 से 13 जून तक आयोजित अंडर 19 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी से जिन प्रतिभागियों का चयन हुआ उसमें रूपायन साधु खान, कुमार शिवम और हरसीत कोरम शामिल है। भोपाल से पत्र मिलने के बाद बुधवार को एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चयनित प्रतिभागियों में रूपायन साधु खान का चयन पश्चिम बंगाल की टीम के लिए किया गया, जबकि कुमार शिवम का चयन झारखंड स्टेट टीम और हर्षित कोरम का चयन छत्तीसगढ़ स्टेट टीम के लिए हुआ है। तीनों चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा, एकेडमी का प्रयास अब सामने आ रहा है क्योंकि एकेडमी के 3 खिलाड़ियों का चयन होना गौरव की बात है। चेयरमैन ने तीनों खिलाड़ियों के चयन को लेकर कहा कि अब मोंगिया एकेडमी का पहला उपलब्धि है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अब हमारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। पिछले 4 महीनों से हम लोग पूरे प्रयास के साथ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे और अभी अभी आज हमें ये खुशखबरी मिली है कि हमारे यहाँ के बच्चे अब स्कूल से अंडर 19 के लिए नेशनल के लिए सेलेक्ट होने लगे हैं और अभी 3 बच्चे जो कि हमारी एकेडमी से हैं, इन 3 बच्चों का अलग अलग स्टेट में ही हुआ है लेकिन 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ये लोग अंडर 19 स्कूल नेशनल चैंपियनशिप के लिए जो कि 9th जून टू 30th जून एट भोपाल में होना है और उसके लिए ये लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं और जाके अगर वहाँ पर वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये लोग नेशनल खेलेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने इतनी ट्रेनिंग अभी दी है, सिर्फ ये 4 महीने का रिजल्ट है जिसमें हमारा अच्छे बच्चों का सिलेक्शन और उन लोगों को यहाँ पर लाके ट्रेनिंग देना और अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ नेशनल लेवल के कोच रखना और इन सारी ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग पा रहे हैं कि हमारे यहाँ से कुमार शिवम झारखंड स्टेट से, हर्षित कोयराम छत्तीसगढ़ स्टेट से और रूपायन साधु खान ये वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेट से 3 बच्चे जो के अंडर 19 स्कूल नेशनल चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं और ये लोग यहाँ से भोपाल भेजे जा रहे हैं, जाके वहाँ पर ये लोग अपना दिखाएंगे कि मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में हम लोग क्या उनको कर पा रहे हैं, क्या शिक्षा दे पा रहे हैं और क्या ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, क्या माहौल है और किस प्रकार से काम कर पा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है, मैं आज पहली अपनी उपलब्धि को बता रहा हूँ कि मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी अब राष्ट्रीय मानचित्र में नजर आने लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।